गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे आप सब? अच्छे हो? ठीक हो? काम कर लिया आपने? सबने होमवर्क कर लिया अपना? क्या बताया था मैंने आपको? हाँ जी, कल मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स करवाए थे और वो सभी ने करने अपनी FNB में, सभी ने कर ली ना? गुड गुड हैंड राइटिंग में नहीं की ना, तो देखो मैं स्टिक लेके आई हूँ आज, सबको पीटूंगी मैं। सबने करने हैं, वे भी अच्छे से करने और अच्छे से उसको लर्न भी करना है, ठीक है? चलो हम स्टार्ट करते अपनी नई क्लास। तो क्लास नंबर 10 हमारी, और आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है? मैंने ना पहले आपके लिए राइट कर रखे हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम बैठना ना पड़े। आप ये क्वेश्चंस मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, फिर आपने अच्छे अच्छे राइट करने हैं, ठीक है? अपनी उसी FNV में जिसने कल आपने किए ना वर्ड मीनिंग्स किए हैं, उसी में राइट करने हैं, ठीक है? ले आए सभी FNVs, पेंसिल भी ले आओ बेबी, सभी करे साथ। चलो अच्छे बच्चे हो गए मेरे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ द किंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेबी? वो पूछते हैं कि किंग था जो, उसकी स्टोरी क्या थी? क्या स्टोरी थी उसकी? कि उसको कोई पकड़ लेता है। कौन पकड़ लेता है? हाँ जी, उसका बेटा पकड़ लेता है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में किंग्स सन, किंग का बेटा कैप्चर्ड हिम, उसे पकड़ लेता है, ठीक है? आपने क्या लिखना है? क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ द किंग। आंसर में आपको लिखना है इन दिस स्टोरी किंग्स सन कैप्चर्ड हिम। तो इस स्टोरी में किंग का जो सन होता है वो उसको पकड़ लेता है, ठीक है? चलो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड द पोएट लाफ एट। कि जो पोएट था वो किस पे हंसा था, कैसे हंसा था वो, किसने हंसाया था उसको, किस पे हंसा था? हाँ जी, जोक्स पे हंसा था, जोक बुक पढ़ के हंसा था ना वो। तो चलो हम आंसर में क्या राइट करेंगे? ही लाफ्ड थ्रू जोक बुक। तो वो किसके जरिए हंसा था? जोक बुक के जरिए हंसा था, ठीक है? अब थर्ड क्वेश्चन, नेम थ्री टाइप्स ऑफ बुक्स द पोएट हैड रीड। तो वो तीन बुक्स लिखनी है बेबी हमें जो पोएट ने रीड की थी। उसने सबसे पहले क्या रीड की थी? फैरी टेल। तो नंबर फर्स्ट पे आप क्या लिखोगे? फैरी टेल। उसके बाद नंबर सेकंड पे उसने क्या रीड किया था जिसे पढ़ के वो हंसा था? जोक बुक। तो वो क्या है? नंबर सेकंड पे आप राइट करोगे जोक बुक। उसके बाद नंबर थर्ड, बायोग्राफीज। बायोग्राफीज, बायोग्राफीज क्या होती है बेबी? जीवनी। बायोग्राफीज क्या होती है? जीवनी। तो हमें तीन बुक्स लिखनी थी, तीन बुक्स तो डन होगी हमारी, ठीक है? तो आपने ये जो बुक्स है वो अच्छे से राइट करनी है, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं अच्छे से राइट करने हैं और आपको लर्न भी करने हैं। ओके, जय आइए।